आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन है, इफ डेल्टा नॉट इज द क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी ऑफ ए लिगेंड एंड पी इज द एनर्जी ऑफ रिक्वायर्ड फॉर इलेक्ट्रॉन पेयरिंग इन एन ऑर्बिटल, देन लिगेंड इज कॉल्ड वीक लिगेंड इफ। देखिए, जो CFT है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, वो लिगेंड को मानती है पॉइंट चार्ज। ठीक है, लिगेंड को क्या मानती है? पॉइंट चार्ज। और जो मेटल के ऑर्बिटल्स हैं उनके पास भी नेगेटिव चार्ज होता है, तो लिगेंड तो नेगेटिव चार्ज देता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, ठीक है, मेटल को। तो अब उसके पास भी लिगेंड, मेटल के पास भी क्या ऑर्बिटल्स हैं, उनके पास भी नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो रिपल्सन होगा लिगेंड में और ऑर्बिटल के अंदर। तो जो डिजेनरेसी है, अगर मान लीजिए मेटल हमारे पास है वो आइसोलेटेड है, तो उसके सारे ऑर्बिटल की एनर्जी सेम होती है, बट अगर उसको लिगेंड अप्रोच कर रहा है तो रिपल्सन हो जाएगा। रिपल्सन किसी में ज़्यादा मिलेगा, किसी में कम मिलेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे एनर्जी में डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा, जिसको बोलते हैं हम लोग डिजेनरेशन ऑफ, वहाँ पे क्या हो जाएगा, जो डिजेनरेसी है वो लॉस्ट हो जाएगी, किसकी? ऑर्बिटल्स की। ठीक है, अब मान लीजिए जो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है उसमें किस इस तरह का हमारा होता है, डिजेनरेसी खत्म हो जाती है और यहाँ पे स्पीडिंग आ जाती है इस तरह की। ये आपका हो गया T2G, ये आपका हो गया हमारे पास EG। इसमें DXY, DYZ, DXZ होता है, इसमें आपके पास होता है DX2Y2 एंड DZ2। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में रिपल्सन अच्छा मिलता है EG लेवल्स में। ठीक है, अब मान लीजिए मेरे पास D1 कॉन्फिगरेशन है किसी का, तो अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो मैं यहाँ भरूंगा उसको, D2 हो गया तो मैं यहाँ भर दूंगा, अगर D3 हो गया तो मैं यहाँ डाल दूंगा, तो मैटर नहीं करता अभी लिगेंड हमारे पास नेचर कैसा है, कितना बड़ा गैप है उससे हमारे यहाँ पे मतलब ही नहीं है। हमेशा जो कॉन्फिगरेशन रहेगा वो T2G3 रहेगा, EG में 0 रहेगा तब D3 तक, है ना। जैसे ही D4 हुआ, अब यहाँ पे जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन है उसके पास दो ऑप्शन है, फोर्थ इलेक्ट्रॉन के पास दो ऑप्शन है, ठीक है, या तो यहाँ जाएगा ऊपर, या फिर नीचे आकर वो पेयरिंग कर सकता है। अब यहाँ पे दो केस बनते हैं, ठीक है। पहला केस ये है कि अगर पी, जो आपकी पेयरिंग एनर्जी है, या बात करूँ डेल्टा नॉट, जो कि एक गैप है, डेल्टा नॉट इज गैप ग्रेटर देन पी, पी क्या है, पेयरिंग एनर्जी। अगर गैप बहुत बड़ा हो गया, गैप बहुत बड़ा है मतलब पी, जो पी है पेयरिंग एनर्जी का मतलब क्या है कि यहाँ पेयरिंग करने के लिए कितना एनर्जी रिक्वायर्ड है, वो कम है किससे, डेल्टा नॉट से ऊपर जाने के लिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पेयरिंग हो जाएगी, क्योंकि ये कम है, इस केस में पेयरिंग हो गई। तो केस वन हमारे पास है, ये वाली सिचुएशन बन जाएगी, यहाँ पे फोर्थ इलेक्ट्रॉन को लेके हमारी सिचुएशन बन जाएगी ये वाली, 1, 2, 3 एंड फोर्थ। केस टू, अगर यहाँ पे ऐसा हो गया कि डेल्टा नॉट कम है पी से, तब पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा है और ऊपर की एनर्जी जो है वो कम है, मतलब गैप कम हो गया, ऊपर जा सकता है इलेक्ट्रॉन, अब यहाँ पे आराम से फोर्थ यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब जो ये वाला केस है इसको बोलते हैं हम लोग वीक फील्ड लिगेंड, जहाँ पेयरिंग नहीं हुई है, और जो ये वाला केस है इसको बोलते हैं हम लोग स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, जहाँ पे हमारे पास पेयरिंग हो चुकी है। ठीक है, तो केस वन एंड केस टू आपको समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। तो अगर डेल्टा नॉट ज़्यादा है पेयरिंग एनर्जी से तो स्ट्रॉन्ग फील्ड बनेगा, डेल्टा नॉट कम है पेयरिंग एनर्जी से तो हमारा वीक फील्ड बनेगा। हम सबको लगेगा कि वीक फील्ड क्या होगा, तो डेल्टा नॉट हमारा जो पी है वो कम रहेगा डेल्टा नॉट से। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।